साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया के खिलाफ 4 T20 मैचेस की सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। आइए जानते हैं अफ्रीका के स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में शामिल बैट्समैनों में सबसे पहले शामिल हैं साउथ अफ्रीका टीम के कैप्टन राइट हैंडेड बैट्समैन एडन मार्करम। फिर शामिल होंगे राइट हैंडेड बैट्समैन रिजा हेंड्रिक्स। इसके बाद शामिल होंगे राइट हैंडेड बैट्समैन हेनरिक क्लासन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन डेविड मिलर। फिर शामिल होंगे लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन रियान रिस्केल्टन, राइट हैंडेड बैट्समैन ट्रिस्टन स्टब्स। साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में शामिल ऑलराउंडर्स में सबसे पहले शामिल होंगे राइट आर्म ऑफ ब्रेक के साथ साथ राइट हैंडेड बैटिंग करने वाले डोनोवन फरेरा। फिर शामिल होंगे लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग के साथ साथ राइट हैंडेड बैटिंग करने वाले ऑलराउंडर मार्को जैनसन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग के साथ साथ राइट हैंडेड बैटिंग करने वाले पैट्रिक क्रोगर, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के साथ साथ राइट हैंडेड बैटिंग करने वाले ऑलराउंडर मिहाली पोंगवाना। फिर शामिल होंगे राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के साथ साथ राइट हैंडेड बैटिंग करने वाले एंडाइल सिमिलैन। साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में शामिल बॉलर्स में सबसे पहले शामिल होंगे राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर ऑटनेल बार्टमैन, राइट आर्म फास्ट बॉलर जेराल्ड कॉट्जी। फिर शामिल होंगे स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करवाने वाले स्पिनर कैशफ महाराज। फिर शामिल होंगे राइट आर्म लेग स्पिनर पीटर।